विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पैसेज को ध्यान से देखिए, एक पैसेज एग्जाम में पूछेगा, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 24 to 25। देखिए क्वेश्चन 24 में यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। तो आपको पैसेज से फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 24 को देखिए, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पैसेज में लिखा होगा, देखिए, कोकोनट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। कोकोनट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकोनट। ठीक है, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोकोनट। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री। तो आपको पैसेज से फाइंड करना होगा आंसर को। यहाँ पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज में, देखिए, हाइट ऑफ 100 फीट, इट इज एन एलिजेंट पाम ट्री ग्रोइंग अप टू हाइट ऑफ 100 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 फीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्लीट द लेटर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन 26, 27 एंड 28। तो यहाँ लेटर को देखिए ध्यान से, लेटर को ध्यान से पढ़िए। हाउस नंबर दिया हुआ है बिरसा विहार रांची 22 दिसंबर 2019। ठीक है, इस डैश में क्या भरा जाएगा। तो देखते हैं 26 को देखिए, 26 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस डैश में क्या भरा जाएगा। डैश लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर डैश, उसके बाद लिखा हुआ है सिद्धार्थ। तो 26 में आपको फाइंड करना होगा। 26 में रेस्पेक्टेड होगा, ऑनरेबल होगा, डियर होगा या सर होगा। इसका राइट आंसर होगा डियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड है। ठीक है, डियर सिद्धार्थ, सर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्रेंड है, तो डियर सिद्धार्थ होगा। तो 26 का राइट आंसर कौन सा होगा, डियर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट देखिए, लेटर को पढ़िए, हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड्स you in good health. It has been almost a month since I joined my new school. The classes are very spacious. There are well equipped signs dash लिखा हुआ है with great collection of book. There is a big playground too. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइंस dash। तो 27 को देखिए, 27 को देखिए, लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है there are well equipped science लाइब्रेरी तो नहीं होगा, equipped science laboratories and लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पहले नहीं होगा, लेबोरेटरीज, साइंस लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो नेक्स्ट को देखिए, फिर आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल, आई बिलीव माई लाइफ हेयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, कन्वे माई रिगार्ड्स टू। फ्रेंड को आप लेटर लिखे हो, इसलिए रिगार्ड्स टू क्या होगा, योर पेरेंट्स हो जाएगा। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। तो योर पेरेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द सेंटेंस इन सिंपल टेंस। मतलब ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए द कैट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस ऐड होगा। ठीक है, तो द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, वर्ब के साथ एस या एस अगर जोड़ा जाए, मतलब सिंगुलर के साथ एस या एस ऐड होता है। ठीक है, वर्ब के साथ एस या एस ऐड होता है कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो द कैट ड्रिंक्स मिल्क हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, द कैट ड्रैंक, मतलब पास्ट में चला गया, द कैट विल फ्यूचर में, द कैट हैज ड्रैंक, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो सिंपल प्रेजेंट में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मैन वर्ब होगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में है और पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट 31 को देखिए, द फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछा है तो आई डैश फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बीन होगा। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2010 तो हैड बीन हो जाएगा। हैव बीन नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैड बीन नहीं होगा, हैड बीन हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस B1 प्लस ING होता है, ठीक है याद रखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है प्रेजेंट ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 32 को देखिए, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस ही सेज आई एम फाइन। यहाँ पर देखिए ही सेज मतलब रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ही सेज मतलब ही सेज होगा दैट ही इज फाइन, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आई एम फाइन है इसलिए ही इज फाइन। ठीक है, आई बदल जाएगा ही में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिए, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस गंगा, गंगा रिवर है इसलिए द होगा, याद रखिएगा गंगा रिवर है इसलिए द होगा, द गंगा इज होली रिवर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये थे, आपको एक आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।